नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेसिपी रॉबरी चैनल में। आज हम बनाते हैं चीज़ ऑमलेट। तो चीज़ ऑमलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ आज लिए हैं 2 अंडे और अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून टमाटर। इसके साथ ही इसमें डाल देते हैं 8-10 कुटी हुई काली मिर्च, और नमक स्वाद के अनुसार। अब इन सबको अच्छे से फेंट लेते हैं। और इसी बीच मैंने यहाँ दूसरी तरफ गैस पे धीमी आंच पे नॉनस्टिक पैन रखा है, यह हल्का गर्म है तो इसमें मक्खन लगा दिया। और अब इसमें फेंटते हुए दोनों अंडों को डाल देंगे। पैन इस समय हल्का गर्म है और इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं, पतला नहीं करना है, बस बराबर करने के लिए थोड़ा सा फैला लेती हूँ। इसमें डाल देंगे ऊपर से थोड़ी सी धनिया। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, मशरूम वगैरह हल्का भून के। और इसको अब नीचे से हल्का सिक जाने देंगे। तो ये नीचे की तरफ से हल्का सिक गया है, ऊपर से थोड़ा रनी है, पर ये चीज़ डालने के लिए बिल्कुल सही समय है। तो इसे मैं डाल देती हूँ खूब सारा चीज़। यहाँ मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी दोनों में अवेलेबल हो। और ये पिज़्ज़ा चीज़ खूब ज़्यादा सा डाल रही हूँ क्योंकि चीज़ ऑमलेट है। और इसके बाद इसको बहुत प्यार से, आराम से, हल्के से इसको मोड़ लेंगे। तो इसमें मैं 2 बार फोल्ड करूंगी ऑमलेट को, जिससे थोड़ा 3 लेयर का ऑमलेट बन जाएगा। और इसको यहाँ पे एक तरफ किनारे लगा दिया है ताकि हल्की आंच पर इसका चीज़ मेल्ट हो जाए और ऑमलेट भी ना जले। तो अब इसमें थोड़ा सा मक्खन लगा देते हैं इसको थोड़ा और रिच बनाने के लिए। ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए सिक के। और अब ये एक तरफ से सिक गया होगा अच्छा, तो अब इसको पलट लेना चाहिए। तो पलट लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए पलट लिया और देखिए कितना अच्छा सिक गया है। और अब इसमें चीज़ भी मेल्ट होने लगा है, तो बस ये सही समय है कि हम इसको निकाल भी लें। ये ऑमलेट तैयार हो गया है, गैस बंद कर दिया है और ऑमलेट निकाल लेते हैं प्लेट में। और मैं आपको दिखाती हूँ कि चीज़ कैसे मेल्ट हो गया है, कितना ज़बरदस्त बना है। देखिए लग रहा है ना, बिल्कुल स्वादिष्ट, एकदम टेस्टी, मस्त। तो ये तैयार हो गया है हमारा चीज़ लोडेड ऑमलेट। तो इस बार आप भी जब ऑमलेट बनाएं तो इसी तरीके से चीज़ लोडेड बनाएं, खूब ज़्यादा चीज़ डाल के। और मेरे चैनल रेसिपी रॉबरी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यूज़ और सजेशंस मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।